इंडस्ट्री की शुरुआत की थी सर। मुझे 24 साल हो गया नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हुए। कितने तरह के प्लान मैंने किए होंगे अनगिनत। कितनी बात तो ऐसी हुई कि प्लान में घुसते ही साला कंपनी भाग गया। मैंने घुसते ही 4-5 दिन में ही खत्म। और उसके बारे में जो लीडर्स मोटिवेट करते थे, अरे जबरदस्त एमडी जो है ना, जबरदस्त है, इसके चेहरे पे जो ललाट है ना, ये जो चमक रहा है ना, ये अलग दुनिया का आदमी है, ये जिंदगी बदल देगा, 4 दिन में खत्म। कुछ सारे प्लान ऐसे आए आरवाई के जो शुरुआत के दिनों में अच्छा पैसा दिया लोगों को, और जैसे ही बड़ा बड़ा कलेक्शन मार्केट से आना चालू हुआ वो कंपनी खत्म हो गई। बहुत सारे प्लान के अंदर मैंने इंटर किया, बहुत मेहनत करी, 3-3 लाख लोगों का टीम बनाया पूरे हिंदुस्तान में, 7 साल के बाद कंपनी बंद हो गई। क्या करेंगे, किसके ऊपर विश्वास करेंगे आप? अगर आपके सामने ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आया है तो आपको क्या लगता है मार्केट में और भी प्लान क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है या नहीं है? है या नहीं है? बहुत सारे प्लान आज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, लेकिन क्या करेंगे, 100% विश्वास कैसे कर पाएंगे? मैं आपको अपने बारे में बता दूं, हो सकता है इसको जान करके आप मिस्टर लाडो जो डेवलपर हैं मेटाफोर्स के, इनके ऊपर हो सकता है विश्वास कर लें, क्योंकि मैंने आज मिस्टर लाडो के साथ लगभग 3 साल बिताया है। मेटाफोर्स में 3 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट फोर्सेज में भी योगदान दिया है। कितने सारे साथी हैं जो कि फोर्सेज में भी काम किए हैं, बहुत अच्छा। मैं आपको बता दूं, जब ये फोर्सेज स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी 2020 को, मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग का लीडर था, तेल साबुन चाय पत्ती नमक पापड़ अचार बेचा करता था। मार्केट से बेटाडीन खरीद करके पानी को लाल पीला हरा भी किया करता था। कुछ लोग हंस रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ, समझदार पब्लिक बैठी है। मैं भी खामखा बिजी था, खामखा बिजी। क्यों? क्योंकि साले इतने साल काम करके लोगों की स्थिति क्या है, प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर काम कर करके कितने साले जूते खत्म हो गए, लेकिन एक अच्छी कार नहीं खरीद पाए लोग। गाड़ी में तेल भराने की बात आएगी तो ऑनलाइन जरूर देखेगा, मीटिंग में अगर टिकट लगेगी तो ऑफलाइन का चेहरा देखेगा कि ऑफलाइन आएगा तो जुगाड़ कर दे टिकट का, आएगा ना भैया मैं घाट घाट का पानी पिया हूं, उम्र भले कम है, 40 साल उम्र है, ज्यादा नहीं है, लेकिन घाट घाट का पानी पिया, 24 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूं, हर तरीके के लोगों से भी मिला हूं, अपने टीम में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आईएएस ऑफिसर है, दरोगा है, एसपी है, चोर पॉकेट मार भी है, हर तरह के लोगों से मिलता हूं, तो उनके से बात करने के बाद मुझे भी अपना एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। कोई जरूर नहीं है कि मेरा 40 साल का उम्र है तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी 40 साल का हो। 80 साल के साथ बैठते हैं, उनकी हाल समाचार सुनते हैं, 80 साल और मेरा 40 साल 120 साल का तजुर्बा हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियों में मैंने भी काम किया, लेकिन ये सिस्टम फोर्सेज जब आया था डिसेंट्रलाइज, तो मुझे 31 जनवरी 2020 लॉन्च हुआ था तो मेरे पास भी फोर्सेज के बारे में खबर आया, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में वो सारी चीजें सुनी ही नहीं थी जो यहां पे लीडर्स बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, थोड़ा जूम करके रखिए सर, अरे थोड़ा जूम करिए, प्रोजेक्टर पे जो पीपल है उसको थोड़ा जूम करिए। सबसे पहली बात वहां पे देखिए क्या लिखी है, नो कंपनी लिखा है सर? जी सर, नो कंपनी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो ऑर्डर। उसके बाद नो एमडी सीएमडी। उसके बाद नो प्रोडक्ट, नो ऑफिस, नो ब्रांच, नो क्लोजिंग, नो एडमिन। जिंदगी में कभी सुना ही नहीं था ये।
सामने वाला बंदा समझा रहा है समझा रहा है समझा रहा है और हम बोल रहे हैं भाग जाएगा बंद हो जाएगा खत्म हो जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि 22 साल से जो काम कर रहे थे उसमें ये सारी चीजें आपने सुनी थी क्या? नहीं। क्या डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जब नहीं सुना था आपने उसके पहले अगर ये सारी बातें आपको कोई व्यक्ति बोला था तो आपने क्या बोला था? बंद हो जाएगा यस, भाग जाएगा यस, और ये भी बोला था कि साला समाने नहीं है तो धंधा कैसे होगा। एमडी भी नहीं है, सीएमडी भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है। नाम हम किसी का ज्वाइनिंग डालेंगे मनोज कुमार और नाम का स्पेलिंग गलती हो जाएगा तो सुधरवाएंगे किससे? हमने ये भी बोला था। क्यों? क्योंकि हम जब किसी कंपनी में जुड़ते हैं, किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड जब दे करके उसका केवाईसी करते हैं तो जब नाम हड़बड़ी में डालते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। हर कंपनी में स्पेलिंग मिस्टेक होता था तो मेल करके आप स्टाफ से या मालिक से या एमडी सीएमडी से ठीक करवा लेते थे ना। जैसे बोलता नहीं आज ये ऑफिस नहीं है, हम बोले किससे सुधरवाएंगे? सामने वाला बोलता है ज्वाइनिंग में नाम भी नहीं लगेगा, हम बोले साला नाम भी नहीं लगेगा तो मेरा कैसे पता चलेगा? अभी क्या है ना कि ब्लॉकचेन मैंने जिंदगी में कभी सुना नहीं था, रियली बता रहा हूं। वो व्यक्ति जो व्यक्ति कभी भी क्रिप्टो करेंसी को जाना नहीं, बिटकॉइन को जाना नहीं, ब्लॉकचेन को समझा नहीं, और वो व्यक्ति आपके बीच 3 साल डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में काम करके अभी तक टोटल अर्निंग 18 करोड़ कर लिया है। क्योंकि फोर्सेस में भी मैंने कमाया तो मैं ही कमाया था, मेरी ही कमाई हुई ना, टीम तो कमाई क्योंकि मैंने अकेले नहीं कमाया। आज अगर पूरे इंटायर चारों प्रोजेक्ट की बात करूं, क्योंकि आपको पता होगा फोर्सेज का सबसे पहला प्रोजेक्ट इथेरियम, दूसरा ट्रोन, तीसरा बीयूएसडी, और ये मेटाफोर्स का एक अलग प्रोजेक्ट जो जबरदस्त तरीके से सारी कमियों को दूर करते हुए आया है। क्या क्या कमी थी मैं वो भी डिक्लेयर करूंगा। ये सारे प्रोजेक्टों के अंदर अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो कम से कम 250 लोगों को मैंने अभी तक करोड़पति बनाया है, 250 लोगों, और मैंने कसम खाई है कि दिसंबर 2022 खत्म होते होते 1000 करोड़पति बनाऊंगा मैं। इसलिए आज जरूरत नहीं है मुझे मेहनत करने की, फिर भी मेहनत कर रहा हूं। आपको पता होगा जो लोग मेरी आईडी ओपन करके मेरे वॉलेट को सर्च करते होंगे उनको पता होगा कि मैं बाथरूम में भी रहता हूं तो पैसा आता है, आता है ना साला, बात करते करते कब 10,240 घुस जाता पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए क्योंकि मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत का ये फल है सर। आपको मैं बता दूं जब फोर्सेस स्टार्ट हुआ था 6 महीने बाद मैंने एक्सेप्ट किया था, तो क्या 6 महीने बाद आया तो कमाया नहीं? क्या मेरे 6 महीने पहले भी जो लोग जुड़े थे क्या मेरे से ज्यादा कमाए? सर जितने भी नए साथी हैं मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर आज भी जुड़ने वाला व्यक्ति उतना ही कमाएगा, जिस दिन सिस्टम लॉन्च हुआ था उस दिन भी जुड़ने वाला व्यक्ति उतना ही कमाएगा, और 5 साल के बाद भी कोई व्यक्ति आएगा तो उतना ही कमाएगा, और अगर 50 साल बाद भी लोग आएगा तो उतना ही कमाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति पहले आया पहले छाप लिया, जितने प्लान के अंदर मैंने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट हुआ है सर। 5 साल के बाद भी कोई व्यक्ति जितना डॉलर का बिजनेस डालेगा उतने ही डॉलर का बिजनेस आउटपुट होगा, आया ना? Yes. तो कोई भी व्यक्ति ये ना बोले कि सर आप तो माल छाप लिए मेरा क्या होगा, आप भी छापेंगे। क्यों? क्योंकि प्लान आज भी उतना ही पे आउट दे रहा है और 10 साल के बाद भी प्लान उतना ही पे आउट देगा। अदर कंपनियों के अंदर क्या होता है, पहले आते हैं लोग, 2 लेग का प्लान होता है, 3 लेग का प्लान होता है, मल्टी लेग का प्लान होता है, 2 लेग के प्लान में एक दूसरे के नीचे स्ट्रक्चर लगनी चालू होती है,
तो कुछ लोग बोलते हैं पहले आते तो हम भी कमा लेते, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर नीचे आ जाता। सर क्या यहां स्ट्रक्चर आती है किसी के नीचे? हमने काम किया, अपना फ्रंट डाला, अपना स्ट्रक्चर तैयार किया, नए बंदे को जोड़ा, तो वो बंदा जब से काम किया अपने नीचे का स्ट्रक्चर तैयार किया, होता है कि नहीं? यस। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले आए हैं या मैं पहले आया हूं, फर्क ये पड़ता है आप जब भी आए हैं प्लान समझे हैं कि नहीं समझे हैं, फर्क यहां पड़ता है सर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझ में आया तो पहले जैसा। ये डायलॉग आज पूरी दुनिया में हिट कर गया, क्यों? क्योंकि बहुत ही सटीक बात है और कम शब्दों में है। इस प्लान के अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं काम करता हूं बस्ती में और माल चला जाता अयोध्या में, ये कैसे होता है? ऑलरेडी होता है, मालूम है आप लोग को भी। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने अपने डांगर के साथ काम किया, मेहनत करा, पेट्रोल खर्चा किया, खाना खिलाया, गाड़ी में घुमाया, मीटिंग सेमिनार किया, हमने उसके लेफ्ट और राइट फुल किए, हमने भरा, यानी हमने मेहनत करके उसका लेफ्ट और राइट फुल किया, मेरी डाउनलाइन है तो सर उसका लेफ्ट और राइट का पैसा मुझे आना चाहिए ना। भाई साहब एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप अपलाइन से नॉन वर्किंग लेने के चक्कर में हैं, तो आपके काम का पैसा भी जाएगा। अरे नहीं, क्यों? क्योंकि 2x4 का जो मैट्रिक्स है ना, जहां नॉन वर्किंग आती है, जैसे ही आपका लेफ्ट और राइट आपका सीनियर भरेगा और आपने कैसे काम किया, आपके काम का बंदा नीचे आएगा, तो जैसे वो बंदा आएगा आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जैसे वो बंदे का लेफ्ट राइट भरेगा वो दोनों पैसा बाहर जाएगा। ये मैकेनिज्म मुझे समझ में आ गया था, इसलिए मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी सीनियर अपलाइन से मुझे पूछ आए। और रियली जो बंदा प्लान समझ रहा है अपलाइन से कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे नीचे गोले नहीं भर रहे सर। अरे अगर आपके नीचे गोले नहीं भर रहे इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे हैं, अपना गोला भरिए, माल कमाइए। अगर अपलाइन से गोला भरेगा, एक गोला भरेगा दो पेमेंट जाएगा। ये बातें हो सकता है धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, लेकिन मैं आपको बताना यह चाह रहा था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो ये बातें शुरुआत में समझ में मुझे भी नहीं आई। मैं डर डर करके बिजनेस मैनेजमेंट किया हूं, डर डर करके, क्यों? क्योंकि मैंने बीच में बहुत सारी कंपनी में काम किया। एक कंपनी में मैंने काम किया था जिसके अंदर वॉलेट होता था, वॉलेट, जो वॉलेट यहां सुनते हैं ना, वॉलेट, यस, वॉलेट हुआ करता था। आप जितना भी, हम जितना भी काम करते थे वो वॉलेट में आता था, और वो कंपनी जब मर्जी करे साला वॉलेट को अपडेट पे लगा दे। मान लो कि मुझे पैसे की जरूरत है और मैं पैसे निकालना चाह रहा हूं, अब कंपनी ने वॉलेट को जो है अपडेट पे लगा दिया, बोला 4 दिन तक विड्रॉल नहीं होगा। अब मेरे दिमाग में साला चल रहा है कि साला कमाया मैंने, मेरे पैसे है वॉलेट के अंदर, और मुझे निकालने के लिए 4 दिन बोल रहा वेट करो। मेरे दिमाग में वो वॉलेट चल रहा था, और वो वॉलेट में क्या होता था, मैं कंपनी का नाम भी बता देता हूं आपको, फाइटो साइंस कंपनी थी मलेशिया की, जिसमें स्टेम सेल बिका करता था, ठीक है? जानते कितने लोग जानते हैं, ठीक है? उसमें मैंने 9 महीने काम करे थे, लगभग 30 लाख रुपया कमाया था 9 महीने में, ठीक है? 1,20,000 की ज्वाइनिंग होती थी एक एक बंदे की, 1,20,000 का ज्वाइनिंग वो भी करा देते थे। अब वो वॉलेट के अंदर क्या होता था कि जब पैसे आते थे तो किसी को ज्वाइन कराने के बाद ही वो वॉलेट का जो डॉलर होता था वो उसकी ज्वाइनिंग में लगता था, और उससे हम कैश लेते थे, कभी भी खाते में नहीं जाता था। तो जब यहां पे मैंने को बताया ना वॉलेट, तो मेरे दिमाग में वही वॉलेट चला गया कि साला जब कमाई होगी निकालने की इच्छा होगी तो कंपनी का मालिक जो है लाडो, क्योंकि उस टाइम कंपनी का मालिक है, समझ रहे थे, ठीक है? कंपनी का मालिक बोलेगा कि अभी पैसा नहीं निकलेगा, अभी 4 दिन तक विड्रॉल नहीं होगा, सिस्टम अपडेट हो रहा है। तो हम डर डर के क्या किए, 8 जुलाई को ज्वाइन किए सर, 4-6 के इथेरियम प्रोजेक्ट में 8 जुलाई 2020 को मेरी ज्वाइनिंग है।
जबकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट 31 जनवरी 2020 को आया था, 6 महीने मैंने लेट किया था। क्यों? इसलिए क्योंकि ये सारी बातें समझ में आई नहीं, और जो व्यक्ति मेरे को बार 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 कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था, वो व्यक्ति हर बार बोलता था सर प्लीज आज जूम मीटिंग में आइए। और वो जो डेट मैंने बताया ना 8 जुलाई 2020, वो डेट याद करिए, लॉकडाउन 8 जुलाई 2020, मार्च में लॉकडाउन लगा था। घर पे बैठे बैठे हमने देखा करोड़ों करोड़ छाप रहे लोग, और हम प्रोडक्ट बेस वाले साला माल नहीं पहुंचाने पा रहे। लोग माल मांग भी रहे तो नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि फिजिकल था, और ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, डिजिटल है, ऑनलाइन है। यहां कोई सामान पहुंचाने की जरूरत कहीं नहीं है। और किसी भी देश में जाने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं इसका रजिस्ट्रेशन किधर है, पैन कार्ड नंबर बताइए इसका। कंपनी ही नहीं है तो पैन कार्ड नंबर कहां से? जब कंपनी ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन किस बात की? जीएसटी नंबर मांगते लोग इसका। जब कंपनी ही नहीं है तो जीएसटी नंबर कहां से लेंगे? जब कंपनी ही नहीं है तो इसको किसी देश में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या? क्या सरकार परमिशन देगी तब किसी कंट्री में जाएगा ये? भैया लॉजिक को समझे। यहां पे आप किसी कंट्री का करेंसी नहीं कमा रहे, यहां पे कौन सी करेंसी कमा रहे आप? क्रिप्टो करेंसी कमा रहे, और क्रिप्टो करेंसी पे दुनिया में किसी भी देश का अधिकार नहीं है। अगर ये बात नहीं पता है तो सबसे पहले आप यही सब बात घर जाके सीखिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। और मैंने जब ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं, 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराया चेक करने के लिए सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहला फोन हम अपने साले साहब को किए, जिसको कि आपने इसके पिछले वाली मीटिंग अयोध्या में देखा था, मिस्टर सौरभ सुमन जी, जो जूम पे प्लान करते हैं, करते हैं ना कभी कभी बोर्ड पे, ठीक है। उनको मैंने फोन किया कि सौरभ भैया एक प्लान हम ज्वाइन किए हैं, आप भी जुड़ जाइए। बोला ठीक है, जुड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट बेस में सभी में जुड़े आप, इसमें भी तो जुड़ना ही पड़ेगा, बाद में जुड़ने से अच्छा अब ये जोड़ दीजिए। वो क्या पूछते हैं हमसे, क्या है ये? हम बोले एक कंपनी है, इसमें 1500 रुपया लगेगा, क्योंकि उस टाइम इथेरियम का दाम मात्र 16,000 रुपया था। तो बोले क्या है प्लान? हम बोले प्लान तो हमको भी पता नहीं, माल बहुत है, लेकिन हमको एक ही बात समझ में आया, माल बहुत है। क्यों जानते? जिस दिन जूम मीटिंग में गए थे ना 7 जुलाई 2020, 8 को जुड़े, एक दिन पहले की बात कर रहे हैं, 8679 उस आईडी को खोल करके जूम पे दिखाया था। और वो आईडी आप भी घर जाके चेक कर लेना, इथेरियम प्रोजेक्ट के अंदर खोल के देखना पुराने वेबसाइट पे, 100 करोड़ का इनकम है आज के डेट में, 100 करोड़। जिस दिन हमने देखा था उस आईडी का इनकम 3.5 महीने के अंदर 4 करोड़ था। दिमाग खराब हो गया मेरा, 3.5 महीने में 4 करोड़। हमको लगा रात कैसे बीते, सुबह कैसे हो और ज्वाइनिंग करूं, कर लिया ज्वाइनिंग बिना प्लान समझे। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं पीएसटी करेंगे तब जुड़ेंगे। अरे करते करते यहां सीखते सीखते भी लखपति बन जाइएगा। आप कर लीजिए ज्वाइन, धीरे धीरे सीखते सीखते लखपति बन जाएंगे। और अगर अच्छा लगा करके स्लॉट खरीदा तो सीखते सीखते करोड़पति बन जाएंगे, तब प्लान सीखेंगे। ऐसा प्लान है। हमने 2 बंदे को जोड़ा, सबसे पहले सौरभ जी को फोन करा, सौरभ जी ऐसा ऐसा बात है। वो बोलते प्लान क्या बताओ? बोले प्लान हमको समझ में नहीं आता, नहीं आया है, ठीक है बाद में समझेंगे, लेकिन 1500 रुपया लगेगा। बोले ठीक है गूगल पे नंबर दीजिए, दे देते हैं। दिए और जैसे मारे मेरा गोला भर गया, 3 गोले वाला जो था X3, 3 गोले वाला, 3 गोले में पहला गोला से पैसा आता है ना, आ गया। तो ये बात कर रहे थे तो मेरा एक कजन ब्रदर है, वो बोला भैया क्या है ये? हम बोले देखो 1500 लगेगा, क्या है अभी तो नहीं पता, लेकिन मांग बहुत है इसमें, ठीक है। एकदम एक ही बात बोल रहे हैं। देखिए हम आपको बता दें एक चीज, ध्यान दीजिएगा, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नॉलेजेबल हैं नहीं पता,
लेकिन अगर आप में एक्साइटमेंट है तो सारा दुनिया का कोई ताकत आपको पैसा कमाने से रोक पाएगा। अगर एक्साइटमेंट है तो ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है। हमने एक्साइटेड होकर बोला कि माल बहुत है, वो सोचा साला कुछ हमको भी आ जाएगा। देखिए हम उनको दोनों को जोड़ दिए और तीन गोले वाले प्लान में पहले और दूसरे से पैसा आता है ना, आ गया। और जो हमको जोड़ा था हम बोले ये पैसा जो है क्रिप्टो के फॉर्म में, इसको पहले मेरा खाता में डाल के दिखाओ तब हम काम करेंगे। बोला कभी खाता में ले जाइएगा ना तो कट जाएगा, ये कटेगा वो कटेगा, ट्रांजेक्शन फीस लगेगा। हम बोले सब कट जाए, एक रुपया सकता है, हमको चेक करना है, मजबूरी हो गया उसका। फिर मैंने एक्सचेंजर डाउनलोड किया, देखिए एक्सचेंजर डाउनलोड किया यानी मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसा किया केवाईसी किया और केवाईसी तुरंत वेरीफाई हो गया। हमको लगता है ऊपर वाले को कुछ करना था मेरे हाथों से, इसलिए एक मिनट के अंदर जैसे मैंने अपलोड किया डॉक्यूमेंट तुरंत मेल पे आता है योर केवाईसी इज अप्रूव्ड। बोले यार गजब है, तुरंत हो गया। जो हमको सिखा रहा था वो बोलता है नहीं नहीं अभी कैसे हो जाएगा तुरंत, हम बोले हो गया सिखाओ अब। बोला नहीं हमको विश्वास नहीं है, हम इतने लोगों का केवाईसी कराए अभी तक तुरंत नहीं हुआ है, आपका कैसे हो जाएगा। हम बोले स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मेल पे आया मैसेज, मैसेज किया मैंने, मेल किया उसको, स्क्रीनशॉट भेजा और हाँ अरे यार कैसे हो गया। हम बोले हो गया ना, आगे काम बढ़ाइए। 9 तारीख का डेट है वो, 9 जुलाई 2020 मैंने वो क्रिप्टो करेंसी को कैश भजा करके, वो क्या बोल रहा है फोन पे लगा हुआ है, इसको जो है ट्रस्ट वॉलेट से आप एक्सचेंजर पे लाइए। बोले लाइए कैसे लाइए बताइएगा तब आइएगा, लाइए क्या होता है करना क्या है ये बताइए। बोला जो क्रिप्टो है इथेरियम उसका एड्रेस कॉपी करिए, वो बताया वहां जाइए टच करिए कॉपी करिए, कॉपी किए और ट्रस्ट वॉलेट से मैंने ट्रांसफर किया। कुछ ही मिनट के बाद एक्सचेंजर पे चला गया। आप जानते हो क्या बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये बात बोलने में, क्यों, क्योंकि ऐसे बुड़बक इंसान भी अगर 17-18 करोड़ कमा सकता है तो आप सभी लोग तो भैया छप्पर फाड़ के कमा सकते हैं। क्या उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला कि इसको मार्केट में बेच दीजिए। हम बोले मेरे घर के बाहर जो मार्केट है वहां तो आलू प्याज सब्जी बिक रहा है, क्यों खरीदेगा इथेरियम, ऐसा ही मैंने बोला था। बोला नहीं नहीं वो वाला मार्केट नहीं, मोबाइल के नीचे में देखिए वहां पे मार्केट है। हम बोले ऐसे बोलिएगा तब ना, आप बोल रहे मार्केट में बेच दीजिए, चला कौन खरीदेगा इथेरियम, बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा इथेरियम इथेरियम, ठीक है। तब वो बोला टच करिए ऐसे करिए वैसे करिए ऐसे करिए वैसे करिए ऐसे वैसे ऐसे ऐसे करते 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 खाते में घुस गया 1200 रुपया। अब वो बोल रहा है आया पैसा, हम बोले चेक करके बताते हैं, जबकि आ गया है। क्यों, क्योंकि जब तक आया नहीं था मैंने उसे खूब दिया था निगेटिव, फालतू सब काम है, पैसा है ये फालतू है क्या है ये, उनको पता था। क्यों, क्योंकि वो एक्सचेंजर जानता था, मुझे पता नहीं था। तो आज बहुत सारे साथी ऐसे हैं, अगर आपको पता नहीं है अपलाइन आपको बता रही है समझा रही है तो सीधे बच्चे का जैसा जैसे जैसे बता रही हो वैसे वैसे कर लीजिए, धीरे धीरे सीख जाइएगा तब उससे लूट मारने का मन करेगा। क्यों, क्योंकि जो अपलाइन है आपकी वो गलत जगह लेके नहीं जा रही है, इतना विश्वास रखिए आप। जैसे खाते में पैसा घुसा मैं उसी दिन 9 तारीख को समझ गया कि ये जो वॉलेट है वो वॉलेट नहीं है जो वॉलेट मैं समझ रहा था, ये वॉलेट वो वॉलेट है। जब जितना मर्जी करे इस वॉलेट से आप पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वॉलेट डिसेंट्रलाइज है और इसके पहले मैंने जो काम किया था वो वॉलेट सेंट्रलाइज वॉलेट था। उस दिन पता चला कि सेंट्रलाइज वॉलेट और डिसेंट्रलाइज वॉलेट में क्या अंतर है। आप में से जितने भी साथी हैं, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन समझाने के लिए एक नाम लेता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो कि परमानेंट का नाम जानते हैं, आप देखिए घर मैं आपको बता दूं वो जो वॉलेट है सेंट्रलाइज है। खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को मैं नीचे गिरा करके अपने आप को ऊपर लेके जाऊं, सब समझाने के लिए। सिर्फ उस वॉलेट के अंदर जो भी लोग कमाते हैं वॉलेट के अंदर आता है, अगर वो वॉलेट के अंदर से उसके जो मालिक है अगर वो बोलेगा कि अभी एक सप्ताह तक पैसा विड्रॉ नहीं होगा
आप नाक रगड़ के मर जाइएगा, एक सप्ताह के पहले पैसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज वॉलेट है। और अगर उस कंपनी के मालिक को पैसा घोटाला करना होगा तो प्ले स्टोर से अगर वो ऐप को डिलीट कर देगा तो आप सारे लोगों के पैसे खत्म। क्यों? क्योंकि जब ऐप प्ले स्टोर से डिलीट हो सकता है तो आप समझिए आपके पैसे सुरक्षित है। लेकिन आप यहां पे काम कर रहे कौन से वॉलेट में? ट्रस्ट वॉलेट। आपको मैं बता दूं ये वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। जब आप वॉलेट डाउनलोड करते हैं तो 12 वर्ड मिलता है आपको, वो 12 वर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आपने वो 12 वर्ड किसी और के साथ शेयर कर दिया तो आपके पैसे का मालिक वो भी व्यक्ति उतना ही होगा जितना मालिक आप है। और मैं आपको एक और उदाहरण पेश करता हूं डिसेंट्रलाइज का कमाल। आपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर 12 वर्ड बनाए, अगर आपको डाउट है ये ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर से उड़ जाए तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, अगर ट्रस्ट वॉलेट भी प्ले स्टोर से डिलीट हो जाए तो मैं आपको बता दूं आपने 12 वर्ड सुरक्षित रखा है ना। आप आज घर जाके चेक करिएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, टोकन पॉकेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। हम नाम ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वॉलेट है जो डिसेंट्रलाइज है, मैं टोकन पॉकेट की बात कर रहा हूं। आप टोकन पॉकेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वो जो 12 वर्ड आपने कॉपी पेस्ट करके या लिख करके रखा है आप इंपोर्ट में जाकर के ट्रस्ट वॉलेट के अंदर 12 वर्ड को डाल दें और इंपोर्ट कर लें। आप देखिएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जितना पैसा है, जितना डॉलर है, जितना मैटिक है, वो सारे डॉलर सारे मैटिक आपके टोकन पॉकेट के अंदर आ जाएंगे तुरंत। ये है डिसेंट्रलाइज वॉलेट का कमाल। अगर सेंट्रलाइज होगा तो वो पैसा उसी वॉलेट में सिर्फ एक्सेस होगा, और अगर डिसेंट्रलाइज होगा तो दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप 12 वर्ड को इंपोर्ट कर दीजिए, आपके सारे पैसे वहां पहुंच जाएंगे। ये है डिसेंट्रलाइज का कमाल। इसलिए आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। धोखा एक ही शर्त पे हो सकता है, अगर वो 12 वर्ड किसी और के पास है या फिर वो 12 वर्ड आपने सही सलामत नहीं रखा, खो गया तो टेंशन है। खो गया मतलब सपोज करिए आपने मोबाइल में डाउनलोड किया, वॉलेट बनाया और उसको आपने कहीं भी लिख करके नहीं रखा, और भाई दिवे आपकी मोबाइल चोरी हो जाए या मोबाइल फॉर्मेट हो जाए तो क्या होगा? प्ले स्टोर से डाउनलोड तो कर लेंगे, क्या वो 12 वर्ड आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? आपकी आईडी जिंदा रहेगी, आईडी जिंदा रहेगी, आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता कोई, आईडी जिंदा रहेगी। उस आईडी पर जो इनकम बनना है वो बनता रहेगा, जो टीम चल रही है वो चलता रहेगा, पैसा आएगा। देख तो सकते हैं आप, निकाल नहीं सकते आप, सिर्फ देख सकता है हर आदमी। निकलेगा नहीं, निकलेगा एक ही शर्त पे, वो 12 वर्ड सही सलामत डाल दीजिएगा, इंपोर्ट कर लीजिएगा, तब वो पैसा निकाल पाएंगे आप। और मैं आपको बता दूं आप ही नहीं इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति पैसा नहीं निकाल सकता, और वो पैसा वहीं रहेगा, टीम चलती रहेगी, कभी 320 कभी 640 कभी 1280 रोज हाथ पे लोगा। और जिनके साथ ऐसा हो गया है वो तो जीते जी मर चुका है, कुछ लोग हैं टीम में फिर से जिंदा हुए हैं। 12 स्लॉट ले लिया था बंदा, किस दिन? जिस दिन सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसी दिन, 4 दिन के बाद वो बेंगलोर जा रहा था और एयरपोर्ट पे उसकी मोबाइल चोरी हो गई हड़बड़ी में, टाइम कम था। अब वो बंदा रो करके मेरे को बोलता है शशि की कोई उपाय लगाए। हम बोले उपाय लाडो के पास भी नहीं है तो मेरे पास कहां से है? गया, बोला गया। बोले हाँ क्या करना चाहिए? बोला दोबारा लेंगे फिर 18 लाख में, हम फिर दोबारा 18 लाख रुपया लगा के फिर 12 स्लॉट लिया वो।
फिर से सारे टीम को ज्वाइनिंग करा करके फिर से स्लॉट खरीदवाया। सोच लीजिए, कर पाएंगे इतना दोबारा? नहीं कर पाएंगे। तो 12 वोट को क्या हल्के में लेंगे? नहीं, हल्के में नहीं लेंगे। आप सभी लोग, मैं आपको बता दूं, जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना, बहुत सारे लोग अदर सिस्टम में जब आए थे लोग, तो यहां के लोग भी वहां चले गए थे। आप में से जितने भी लोग, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, फोर्सेज का ट्रोन प्रोजेक्ट कितने लोगों ने किया था? जब ट्रोन आया था मार्केट में, बाढ़ आ गई थी ना प्लान की, बाढ़ आ गया था मार्केट में प्लान का। आज आप बताइए, कोई भी प्लान है फोर्सेज को छोड़ करके मार्केट में? कोई जिंदा नहीं है, सब खत्म। क्यों जानते हैं? क्योंकि क्रिप्टो के अंदर भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे प्लान क्रिप्टो के आते रहेंगे, लेकिन अगर वो बोलेगा कि मैं डिसेंट्रलाइज हूं, तो भैया वो अगर एडमिन पावर अपने पास रख लेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। जिस दिन वो पैसा गबन करना चाहेगा, पूरे वॉलेट को इधर से उधर कर देगा और सारे फंड अपने पास मंगा लेगा एक झटके में। यही हुआ है क्रिप्टो के अंदर, जितना भी प्लान आया। आज को भी प्लान क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडमिन पावर अपने पास रखता है, जिसके कारण कि वो 2-3-4-6-8 महीने के अंदर पूरा माल समेट करके निकल जाता है। और भोले वाले लोग जो कि किसी के बहकावे में आ जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। आपको क्यों मेटाफोर्स में 100% काम करना है? मैं आपको बताऊं, इसका तीसरा प्रोजेक्ट 1 जून को स्टार्ट हुआ था, BUSD। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। BUSD प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस दिन, पूरी वर्ल्ड वाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कम से कम 90 करोड़ रुपए का फंड चला गया था बाय मिस्टेक। मेरा भी 5.5 लाख का फंड चला गया था। कैसे? जैसे कि हमने इथेरियम में स्लॉट खरीदा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा बेच के, ट्रोन के अंदर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा बेच करके स्लॉट खरीदा था। हमने सोचा BUSD प्लान के अंदर भी सेम प्रोसेस होगा, तो हमने उसमें भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा भेज दिया। लेकिन उसमें क्या था, अंतर था। जैसे कि आज मैटिक प्लान के अंदर, डाई प्लान के अंदर, मेटफोर्स के अंदर क्या होता है, आपका जो डाई वाला वॉलेट होता है उससे डाई कटता है किस चीज के लिए? स्लॉट के लिए। और आपका मैटिक कटता है किस चीज के लिए? ट्रांजेक्शन फी के, गैस फीस के लिए। तो वहां पे क्या हुआ था कि सिस्टम चेंज हो गया था और हम पुराने सिस्टम को एडॉप्ट करके उसी सिस्टम से कर रहे थे। और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, लगभग 90 करोड़ का फंड लाडो सर के पास एक्स्ट्रा चला गया था। और मैं आपको बताऊं, बिना फोन करे, बिना मेल करे, पूरी दुनिया में जिस जिस वॉलेट से पैसा कटा था, जिस जिस वॉलेट से ट्रांजेक्शन हुआ था, सारे वॉलेट पे 3 दिन के बाद पूरी दुनिया में 90 करोड़ रुपया वापस हो गया अपने आप। ये कहानी मैंने अपनी बताई, इससे आपको सीखना चाहिए कि इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें या ना करें हम। क्या सर? करें। लाडो सर के ऊपर विश्वास करें कि ना करें? करें। जिन्होंने 90 करोड़ का फंड 3 दिन के अंदर बिना मेल, बिना सपोर्ट पे, किसी तरीके का चैट किए बिना पूरी दुनिया में 90 करोड़ का फंड अगर वापस कर दिया, तो उस व्यक्ति की ईमानदारी के ऊपर क्या शक कर सकते आप? नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ऑटो अपग्रेड में फंड जमा है। जानते हैं किसको तकलीफ है? तकलीफ उनको है जिसका फंड जमा नहीं है। और जिनका जमा है उनको पता है साला क्यों जमा है। क्या सर? अगर आपने 640 वाला स्लॉट खरीदा तो 640 में कितने गोले होते हैं? 6 गोले होते हैं। Yes. पहला और दूसरा गोला जब भरता है तो पैसा आता है आपको? No. नहीं। तीसरा भरता है तो आता है? Yes. चौथा भरता है तो होल्ड क्यों होता है? क्यों? क्योंकि 640 के बाद 1280 का जो स्लॉट है नम्मा, वो आपने खरीदा नहीं है, उसको खरीदने के लिए होल्ड होता है। आया ना? Yes. अब जब होल्ड होता है तो बहुत सारा फंड जमा तो होगा ना कहीं ना कहीं पे। Yes. मार्केट में बहुत सारे लोग जो कि निगेटिव है, एंटी है, वो क्या बोलते हैं,
इतना इतना फंड जमा हो गया। अरे भाई साहब, इसके पहले तीनों प्रोजेक्ट के अंदर ऑटो अपग्रेड का सिस्टम था ही नहीं, तो फंड क्यों जमा होगा? क्या सर? जब ऑटो अपग्रेड का फंड था ही नहीं, ऑटो अपग्रेड का फंक्शन था ही नहीं, बेटा फोर्स में पहली बार ऑटो अपग्रेड का फंड डाला गया, तो कहीं ना कहीं तो फंड जमा होगा ना? यस। क्या सर? यस। और 640 जिनका जमा है उनको तकलीफ नहीं है? साला जिनका जमा नहीं है उसी को ज्यादा तकलीफ है मार्केट में। और जिनका जमा है उसको पता है जमा क्यों है, और उसको यह भी पता है कि निकालने के लिए सिस्टम क्या है। जैसे ही आप 1280 वाला स्लॉट खरीदेंगे, 640 वापस हो जाएगा तुरंत 100%। यस। या फिर 640 का एक गोला और भर दीजिए पांचवा, जैसे पांचवा भरेंगे वैसे ही लंबा स्लॉट 1280 वाला अपग्रेड जाएगा ना। और 1280 जिनको कमीशन जाना है उनको कमीशन भी 100% चला जाएगा। ये ऑटो अपग्रेड फंक्शन मैं आपको बता दूं सर, पौने तीन साल मुझे हो गया फोर्सेस में काम करते हुए, और आज के डेट में बहुत अच्छा लगता है कि साला काम भी नहीं कर रहे फिर भी माल आ रहा है। पुराने प्रोजेक्ट में हम काम नहीं कर रहे फिर भी माल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। अगर किसी और कंपनी में काम किए होते तो क्या होता? सबसे पहले बोलता सर 2 लाख जा रहा है, इसको रोकिए, आरडी ब्लॉक करिए तुरंत। होता कि नहीं होता? यस। यहां मैंने क्या बोला इसके पहले वाली मीटिंग में भी, अगर अपलाइन से आपका झगड़ा भी हो जाए, मारपीट भी हो जाए, तो भी आरडी ब्लॉक नहीं होगा। और मैं आज भी बोल रहा हूं, किसी भी हालत में किसी का आरडी कोई ब्लॉक नहीं करा सकता। सब आदमी स्वतंत्र है, सब आदमी इतना ही ताकतवर है जितना हम है, ठीक है? ये सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग मार्केट में डुप्लीकेट लेके आते हैं, तो डुप्लीकेट के ऊपर अपने को नहीं जाना, ओरिजिनल। और आपको बता दें एक और अच्छा न्यूज, पूरी दुनिया में लाडो सर है, पूरी दुनिया में लाडो सर है, सिंगल और एकलौता व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने वाले नेटवर्कर को एक नई जिंदगी दी है सर। नहीं तो आज तक सारी कंपनी चूस रही थी नेटवर्कर को, 100 रुपये का बिजनेस करवाती थी और 5 रुपया पॉकेट में डालती थी। यहां पे अगर 100 रुपये का बिजनेस आप करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे 100 का 100 पूरा बढ़ जाता है। 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा 1 करोड़ बढ़ जाता है। और आप में से जितने भी साथी यहां बैठे हुए हैं, मैं सबको कहना चाह रहा हूं, आप सभी लोग मार्केट में हाहाकार मचा दीजिए, त्राहिमाम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस व्यक्ति को प्लान नहीं समझाएंगे, उस व्यक्ति को कोई दूसरा बंदा जरूर प्लान दिखा देगा। Yes. आप सोच रहे हैं कि उसके पास जाएंगे, अरे जाएंगे कब जाएंगे? वो बंदा को मीटिंग में जब देखिएगा तो आपके दिल में आहा आएगा, अरे साला ये तो मेरा आदमी है। अरे आपका आदमी है तो जाना चाहिए था ना। आप अगर जाने के लिए लेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई बंदा जाएगा, और जब जाएगा प्लान समझाएगा तो हर एक आदमी हाँ ही बोलेगा। क्या सर? हाँ बोलता है कि नहीं? यस। Yes. क्या ये प्रोडक्ट मार्केटिंग है? नो। 10 आदमी को प्लान दिखाओ तो 2 आदमी ओके करेगा? नो। या 10 को प्लान दिखाएंगे तो कितना ओके करेगा? 10। 10 ओके हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं तुरंत, और कुछ लोग बोलते हैं अच्छा रुकिए ना। हमने तो ऐसा देखा है कि साला प्लान करके हम आ गए वापस घर, अपने आप 2 दिन के बाद घर पे पैसा लेके पहुंच जाता है। ऐसा हुआ आपके साथ? लोग पैसा लेकर के घूम रहे मार्केट में कि सर ज्वाइन करा दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए। प्रोडक्ट मार्केटिंग में कभी हुआ ऐसा? नो। आप किसी को प्लान दिखा दीजिए, उस रास्ते से गुजरिएगा सारा दरवाजा बंद कर देगा कि फिर मेरे घर में ना घुस जाते। लेकिन यहां पे एक व्यक्ति को प्लान दिखा दीजिए, अगर आपने उसको फॉलो अप भी नहीं किया, अगर आपसे बिहेव अच्छा है तो कोई ना कोई बंदा उसको प्लान दिखाएगा और वो आपका दरवाजा खटखटा के बोलेगा कि सर पहला ज्वाइनिंग यानी श्रेय आप ही को जाएगा, यानी
आपने मुझे पहला प्लान दिखाया था, इसलिए श्रेय आप ही को जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्लान दिखा के आया और सामने वाला बंदा ना बोल दिया या टाइम ले लिया और आपने उससे रिश्ता खराब कर लिया, तो क्या होगा? क्या वो आपको कभी भी नॉक करेगा? नो। इसलिए हर हाल में किसी को भी आप प्लान दिखाएं तो ये सोच करके ना जाएं कि वो बंदा को जोड़ ही देंगे। आप अपना काम करिए, जुड़ना होगा या नहीं जुड़ना होगा वो ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आप बस काम करिए, फल की चिंता मत करिए। और आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि एक लाखों दिया जो है बुझा हुआ, लाखों बुझे हुए दिए, लाखों बुझे दिए किसी एक दिए को जला नहीं सकता। क्या जला सकता है? लाखों बुझे दिए किसी एक दिए को जला नहीं सकता, लेकिन एक जला हुआ दिया लाखों करोड़ों दिए को जला सकता है सर। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग अपने अपने एरिया के दिए हैं, और आप सभी लोग क्या करिए, दिया जलाने का काम करिए। एक एक दिया करते 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 ना जाने कितने सारे दिए जल जाएंगे। ये साक्षात आपके सामने बर्जेस भाई, एक दिया मैंने जलाया था यहां पे, एक ही दिया जलाए थे ना, आज कितने दिए जल रहे? कितना टीम होगा बर्जेस भाई आपका पूरा ग्रुप? लगभग 30,000 से प्लस हो गया बर्जेस भाई का टीम। अब आप सोचिए, बर्जेस भाई को मैंने ज्वाइन कराया और आज इतनी बड़ी टीम बन गई, और आज पहली मीटिंग आपके यहां इतने बड़े ऑडिटोरियम में हो रहा है, और नेक्स्ट मीटिंग जब यहां पे करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि सीढ़ी पे लोग बैठे रहेंगे सर। yes. सीढ़ी पे नीचे yes. में, क्यों? क्योंकि हर जगह का माहौल एक ही देख रहा हूं मैं। शुरुआत में पहली मीटिंग होती है तो कम होते हैं थोड़े लोग, लेकिन इतने कम भी नहीं है पहली मीटिंग में, क्या सर? yes. ये पहली मीटिंग में भी अगर इतने लोग हैं तो भैया ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। अगली मीटिंग में जगह नहीं, और वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ऐसे ऑडिटोरियम छोड़ दीजिए, खाली मैदान में टेंट लगा के करेंगे तो सारा आदमी नहीं हट पाएगा। ये हाल होने वाला है अपने मेटापोर्स के अंदर, ठीक है? तो यहां पर आपको मैंने बताया कि कंपनी नहीं है, एडमिन नहीं है, डाई और मेटिक की बात करते हैं हम लोग यहां पे। डाई आप जो कमाते हैं, डाई एक स्टेबल क्वाइन है, इसीलिए यहां पे प्लान आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। आज मैंने जो इसके पहले वाले सिस्टम की बात करी, क्यों प्लान डिस्टर्ब हुआ? आज इथेरियम का प्लान जिंदा है लेकिन लोग काम नहीं करते उस पर। रीजन क्या है? रीजन है वो जो करेंसी है अनस्टेबल था, घटता और बढ़ता था, लेकिन डाई जो है स्टेबल है। इसके बाद जो ट्रोन आया, ट्रोन के अंदर भी वही बातें हुई। 2 रुपया शुरुआत में था जब मैंने ज्वाइन किया था, और बढ़ करके 16-17 रुपया हो गया, प्लान फिर डिस्टर्ब हो गया। बीओसडी के अंदर क्या हुआ? इनके पार्टनर लोगों ने धोखा दे दिया, जिसके कारण मेटाफोर्स का जन्म हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग पहली बार जितने भी लोग आए हैं और डायरेक्ट मेटाफोर्स में ज्वाइन किए, एक बार हाथ उठाएंगे, डायरेक्ट मेटाफोर्स, इसके पहले कुछ नहीं, इसके पहले वाला जितना बात किया, डायरेक्ट मेटाफोर्स, हाथ उठाइए, हाथ नीचे करिए। आपको पता है जाने अनजाने आपको हीरा मिल गया, जाने अनजाने आपको हीरा मिल गया। अगर आपको इसकी परख है तो बहुत अच्छा, और परख नहीं है तो आप इसको पत्थर समझ के फेंक देंगे। डायरेक्ट हीरा कैसे मिला? आपको पता है कि हीरा कोयले की खादान से निकलता है। हम लोगों ने आज मेटाफोर्स रूपी हीरा हमने भी गेन किया, मेटा रूपी हीरा मुझे भी मिला, डायमंड मेटा रूपी हीरा मुझे भी मिला, आपको भी मिला। लेकिन हमने ना जाने कितने टन कोयले हटाए हैं तब ये हीरा मिला है, पर आपको पहली बार में मिला है। इसलिए इसकी कदर करें, ये आपको नहीं आपके आने वाले जनरेशन की जिंदगी बदल सकता है सर, इतनी ताकत है इसके अंदर। और इसके अंदर काम करके कितने दिनों के अंदर जिंदगी बदल सकते हैं, एक लंबा टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं, 3 से 5 साल,
मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने ध्यान से पूरी पावर के साथ तन मन धन से 3 महीना कर लिया ना, 3 महीने में तस्वीर बदल जाएगी सर, सिर्फ 3 महीने। और इस साल का अंत होते होते यहां पे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आपने छोटे स्लॉट से स्टार्ट किया तो जिंदगी बदलने में बहुत टाइम लगेगा, और आपने बड़े स्लॉट से स्टार्ट किया तो बहुत कम टाइम लगेगा आपकी जिंदगी बदलने में, क्योंकि इस प्लान का मैकेनिज्म क्या कहता है, कितने स्लॉट है सर इसके अंदर? 12। थोड़ा उठाइए सर ऊपर, कितने स्लॉट है इसके अंदर? 12। 12। और ये 12 स्लॉट के अंदर कितने तरह का प्लान है? तो ही तरह का प्लान है, एक प्लान है S6 और एक प्लान है S3। S6 प्लान का मतलब ये वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों होगा, यस। इसमें 6 गोले होंगे, S6 बोलने का मतलब है 6 गोला, S6 का मतलब 6 गोला। ये 6 गोला भरेगा आपके काम से, आपके डाउनलाइन के काम से, आपके सीनियर अपलाइन के काम से और आपके क्रॉस लाइन के काम से। दुनिया में कोई भी प्लान इसके पहले आपने सुना था कि सीनियर और क्रॉस लाइन से आपको पैसा आएगा? नो। क्या सुना था सर? नो। सभी जगह क्या सुना था? सभी जगह ये सुना था कि आप काम करेंगे तो पैसा आएगा और आपकी डाउनलाइन करेगी तो पैसा आएगा। यहाँ आप और आपकी डाउनलाइन करती है तो पैसा आता है, लेकिन आपकी अपलाइन और क्रॉस लाइन भी काम करती है तो भी आपको पैसा आता है। और आपको बता दें, बहुत ही अच्छा हमें लगता है ये बोलने में, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कंपनियों में प्रोडक्ट बेस में बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार अटेंड करी है। जब आप भी किसी मीटिंग में जाते होंगे तो बहुत सारे क्रॉस लाइन भी मिलते होंगे। क्या प्रोडक्ट बेस के अंदर जब भी बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार में जाते होंगे तो बहुत सारे क्रॉस लाइन भी मिलते होंगे, और क्रॉस लाइन को देख करके एकदम तिरछी नजर से कोने में मैं यही पेन थोड़ा है मेरा बाद में बताएंगे, ठीक है। गुस्सा भी आता था, कर कुछ नहीं सकते थे, गुस्सा भी आता था कुछ कर नहीं सकते। और यहां पे क्रॉस लाइन मिलते तो है, लेकिन बड़ा मजा आता है क्रॉस लाइन से मिलने में। हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और जानते हैं मने मन जाने के टाइम में जब उसको विदा करते हैं क्या बोलते हैं वो क्रॉस लाइन के बारे में, मन में क्या सोचते हैं? बेटा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। क्यों? क्योंकि अगर वो क्रॉस लाइन स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और व्यस्त रहेगा तो उधर का माल उधर आ जाएगा। तो कितना अच्छा प्लान लालू सर ने बनाया, क्रॉस लाइन से भी पैसा, अप लाइन से भी पैसा। साला यही 4 लाइन तो होता है प्लान में, कंपनी जब खड़ी होती है ना यही 4 लाइन होता है। आपके ऊपर 1 लाइन जो होता है वो सीनियर अपलाइन का लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसके बाद आपके नीचे जितना होता है वो डाउनलाइन, और उसके अलावा जितना बच जाता है वो सब क्रॉस लाइन। 4 लाइन से पूरा स्ट्रक्चर बनता है, और ये चारों व्यक्ति के काम से यहाँ पे पैसा आता है। और S3 के अंदर वर्किंग प्लान है, इस प्लान में सेल और आपका डाउनलाइन से पैसा है। अब आप देखिए पहला स्लॉट के अंदर क्या हो रहा है, 6 गोला है सर, कितने डॉलर का है ये? 5 डॉलर का, और थोड़े से मैटिक लगा करके 500 या 600 रुपए का प्लान बोल सकते हैं इसको। अच्छा यहां पे कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो मीटिंग में आए हैं, बिजनेस में ज्वाइन नहीं किए हैं वो यहां उठाइएगा। अच्छा सर आपके ज्वाइनिंग के लिए मैं बोल रहा हूं मात्र 600 रुपया लगेगा, है आपके पास? हाथ उठाए थे जितने लोग, एक बार फिर से बोलिए सर 600 रुपया है आपके पास? क्या शुरुआत हो सकती है बिजनेस की? 600 से भी बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। और मैं आपको बताता हूं इस प्लान की ताकत, गरीब से गरीब इंसान भी अगर ठान ले तो वो जिंदगी में इतना पैसा कमा सकता है कि सारा पैसा गिनने वाला आदमी मर जाएगा लेकिन गिन नहीं पाएगा, इतना पैसा कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे कितने रुपए की बात करी मैंने, क्या इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? नो।
सर एक पान दुकान में कोई खोलता है ना तो साला 1.5 लाख रुपए का तो सामान गुमटी लग जाता है, उसको कमाता है कितना? वही 2-4-5-6-7 हजार रुपए लोग। अभी टोटो है ना आपके यहाँ, टोटो क्या बोलते हैं उसको, ई रिक्शा। सर ई रिक्शा कितने में आता है? 2 लाख रुपए आता है। 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, कमाता है कितना डेली का वो? 500 हजार रुपया। सर आप बताओ, 2 लाख रुपया लगा के स्टेडिंग पे बैठ के 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 2 लाख लगा के सर 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया कर रहा है वो, और हम मात्र 500-600 रुपया लगा करके 8 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ई रिक्शा खरीदना है क्या आपको? इधर आना है, अरे इधर आइए, यहाँ लाखों करोड़ों की बात सुनेंगे और सुनाएंगे, हजम होगा। ई रिक्शा वाला बोलेगा 10 लाख 20 लाख, बोलेगा पागल हो गया क्या 10 लाख 20 लाख? सर वो 2 लाख लगा करके भी 1-2 लाख 5 लाख का बात नहीं कर सकता, और आप 500-600 रुपया लगा करके 1-2 लाख 10 लाख की बात कर सकते हैं। तो 2 लाख में ज्यादा ताकत है कि 600 रुपये में ताकत है? 600 भैया, लालच के कारण 600 में ताकत है। गरीब से गरीब आदमी भी अमीर बन जाएगा। देखिए इस प्लान की ताकत। पहला स्लॉट अगर आपने 500 रुपये में खरीदा, 500 ही मान लेता हूं मैं, पहला स्लॉट 500 में, आप जैसे ही काम करेंगे पहले व्यक्ति को जोड़ेंगे। एक ही स्लॉट से प्लान समझाता हूं मैं, एक स्लॉट मात्र 500 रुपये का। जैसे ही 500 में जुड़ेंगे, एक आदमी को 500 में जोड़ेंगे तो 6 गोले का पहला गोला भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि कट किया है, क्रॉस है, आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही दूसरे बंदे को जोड़ेंगे फिर 500 से आपका दूसरा गोला भरेगा, ये दोनों पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आप भरो तो भी नहीं मिलेंगे, आपके काम से भरा है तो भी नहीं मिलेगा, आपके सीनियर से भरेगा तो भी नहीं मिलेगा, डाउनलाइन से भरेगा तो भी नहीं मिलेगा, क्रॉस लाइन से भरेगा तो भी नहीं मिलेगा। नियम समझना है, 6 गोले का 2 गोले का पैसा जो ऊपर का 2 गोला है किसी के काम से भरेगा, आपको नहीं मिलेगा पैसा। आप बोलेंगे क्यों नहीं, तो जाना पड़ेगा रसिया पूछने के लिए क्यों नहीं। बस इतने समझिए, नहीं मिलेगा। कहां जाएगा वो? अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाके बट जाएगा पैसा। बटेगा क्यों अपलाइन क्रॉस लाइन में? इसमें जो नॉन वर्किंग का फीचर्स है ना, इसी दोनों गोले में नॉन वर्किंग का फीचर छुपा हुआ है। अगर अपलाइन क्रॉस लाइन में जाएगा तो अपलाइन क्रॉस लाइन से आएगा, और जाएगा नहीं ना तो आएगा नहीं ना। जाना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। ये कुछ लोग नॉन वर्किंग भी सोच के आते हैं ना, इसलिए जाना भी जरूरी है, जाने दीजिए। तीसरा गोला जैसे भरेगा, तीसरे बंदे को लाएंगे ना तो तीसरा गोला भरेगा कौन साइड का? पहले वाले का पहला, यानी ए का ए भरेगा, आपको $5 मिल जाएगा। लगाया था कितना? वही ना 5। पांच मिल गया, पैसा वसूल। चलिए चौथे बंदे को लाएंगे तो इस बार बी का ए भर जाएगा, बी का ए, तो वो $5 जो है होल्ड हो जाएगा, आपके वॉलेट में नहीं आएगा। तीसरा वाला आपके वॉलेट में आएगा बॉस, चौथा वाला $5 आपके वॉलेट में नहीं आएगा। किनके केस में नहीं आएगा? जिनका केस ऐसा है जो दूसरा स्लॉट $10 का नहीं खरीदा है, जो खरीद लिया है पॉकेट से पैसा लगा के पहले ही, उसको आएगा। क्लियर? जैसे ही पांचवें बंदे को जोड़ेंगे तो पहले वाले का दूसरा भरेगा, पहले वाले का दूसरा भरेगा, तो 5 और 5 ये दोनों होल्ड हुआ था तो दोनों मिला के कितना हो गया? 10। दूसरे स्लॉट का दाम कितना है? 10। अपने आप खरीदारी हो जाए। ये जबरदस्त फीचर है, इसको बोलते हैं ऑटो अपग्रेड। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला ना कि 3.5 साल से मैं इसके पहले वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था फोर्सेज में, वहां पे क्या होता था, साला तेल लगाना पड़ता था स्लॉट खरीदने के लिए, लोगों को बार बार फोन करके बोलना पड़ता था
तीनों गोले का पैसा बंदे के वॉलेट में आ जाता था। अब आ गया तो सब उसका मर्जी है ना, खरीदे कि नहीं खरीदे, और वो खुद नहीं खरीदता था और नीचे वाले को भी पकड़ के रखता था कि मत खरीदो, हम खरीदे नहीं अभी, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, एक पैसा आपको मिलेगा और दो पैसा चला जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में और वो जमा हो जाएगा। जैसे ही दोनों पैसा जमा हुआ, 10 वाला खरीदारी हो जाएगा और तीसरा वाला, सॉरी नीचे का जो लास्ट है छठा वाला, वो जैसे ही भरेगा ये 6 गोले के खाली खाली, यानी रिसाइकल। रिसाइकल के बाद फिर वही कार्यक्रम होगा, लेकिन इस कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या कार्यक्रम होगा, पहला दूसरा तो नहीं मिलना है, नहीं मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा भी मिलेगा और पांचवा भी मिलेगा, तीनों मिलेगा। कितने बार मिलेगा ऐसा, बार बार मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी आईडी ओपन करके दिखाना चाहता हूं आपको। सर मेरी आईडी ओपन है क्या, एक बार मेरी आईडी ओपन करिए, देखिए आपके सामने झूठ पकड़ने का मशीन लगाए हम लोग। यहाँ पे जितने भी लोग बोले ना कि मैं 20 लाख 50 लाख, झूठ कोई नहीं बोला है, कोई नहीं झूठ बोला है, सब सही बोला है। देखिए ये मेरा पहला स्लॉट आपके सामने खोल रहा, ये जो पहला स्लॉट है ना, लगभग 160 बार रिसाइकल हो गया मेरा, 160 बार रिसाइकल। 6 गोले हैं, बार बार भरते हैं, बार बार खाली होते हैं और बार बार 3 पैसा मुझे आ जाता है। देखिए बोला हाँ D45, देखिए मेरे वॉलेट का एड्रेस है D45। देखिए मेरे वॉलेट में 1007.79 टाइप पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ तो पहला स्लॉट 160 शायद है, हो सकता है उससे कम या ज्यादा हो, मुझे नहीं पता, अभी खुलेगा तब बताएंगे आपको। तो यहां पे आपको जो पहला स्लॉट था 6 गोले का, वो मैंने बताया, 5 और 5 10 जमा हुआ, दूसरा खरीदारी हो गया। अब आप बताइए कि दूसरा के बाद तीसरा खरीदारी कैसे होगा, वैसे दूसरा स्लॉट में भी 6 गोला है, पहला दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा भरेगा 10 आपको मिलेगा क्योंकि 10 लगा है ना, यस 10 मिलेगा और चौथा वाला 10 जमा हो जाएगा होल्ड, और पांचवा वाला जैसे 10 होगा तो 10 और 10 कितना हुआ, 20, तो तीसरे स्लॉट का नाम कितना है, अपने आप खरीदारी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्लॉट $20 का है, वो है S3 का प्लान, कितने गोले होंगे उसमें, तीन गोले में जैसे ही पहला गोला में भरेगा $20 मिलना तो आपको चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि चौथा वाला आप खरीदे ही नहीं है। तो सिस्टम क्या करेगा, चौथा स्लॉट खरीदने के लिए $40 जमा करेगा, तो तीसरा स्लॉट का नाम है 20, पहला गोला भरेगा 20, दूसरा गोला भरेगा 20, दोनों मिलकर कितना हुआ, 40, चौथा वाला अपने आप खरीदारी हो जाएगा। अब आप बताइए ऐसे खरीदते 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 हर एक आदमी 12 तक जा सकता है कि नहीं, यस। 12 का दाम कितना है, $10,240, लगभग 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपया कीमत है सिर्फ 12 का, और 1 से 11 जो डबल डबल हुआ है ना, वो भी लगभग 8.5 लाख का होगा ना, कितना हो गया, 17 लाख रुपया हो गया। सर बंदा 12 स्लॉट अगर खरीद लिया तो 17 लाख रुपए का स्लॉट उसके पास हो गया। अब आप बताइए 17 लाख का स्लॉट हो गया, जोरन कितना दिया था, 5 जोरन बोलेंगे सर, 17 लाख रुपए का दही जम गया, जोरन कितने का था, 5 वही 500 रुपए का। अब आप बोलेंगे सर हम गरीब हैं, पैसे नहीं है, राखी के लिए तो प्लान है, और जिनको 500 भी नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, पैसा हम देंगे, जुड़िए लेकिन कमाइए। कोई भी व्यक्ति किसी से बात करता है, अगर वो बोलेगा ना कि सर एक को स्लॉट से जुड़ने का पैसा नहीं है, यहां पे जितने भी लीडर है हमारे, सबसे रिक्वेस्ट है ऐसे जितने भी लाचार और मजबूर आदमी मिले, वो अगर बोले आपको कि सर हम काम करेंगे, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, लेकिन
अपना पैसा लगा के उसको जोड़िए, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लगाएंगे 500 और कमाएंगे 1 करोड़। कितना बड़ा मुनाफा, इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर 500 का, पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब जब खरीदेगा, अरे काम करके वो भी कमाएगा और आपको भी कमाई देगा। 500 लगाने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। तो हर आदमी लगा दीजिए सर ऐसा, अगर कोई मिले तो बोलेगा काम करेंगे, पैसा नहीं है, लगा देना है। लगाते हैं कि नहीं? Yes. किसी को छोड़ना नहीं सर। Yes. कोई बोले पैसा नहीं है, लगा देना है, वॉलेट बनाओ ले हम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ रहे, आप तो समझ रहे प्लान। Yes. आज आपने उसको दिया 500 रुपया, कल वो कमा करके आपको कितना देगा? $10। फिर कमा के कितना देगा? 20 वाला 40 वाला 80 वाला, और जिस दिन 12 मास्टर खरीदेगा इकल्ले देगा 8.5 लाख रुपया देगा। Yes. इसलिए छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे क्यों भाई? हम क्यों छोड़ेंगे? हम छोड़ने के लिए लड़की में जुड़े हैं। नो सर। क्या सर? नो सर। छोड़ना किसी को नहीं है, सबको जोड़ना है। पैसा से जुड़े तो ठीक, नहीं लगावे तो अपना लगा के जोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है सर? तो अभी देखिए मेरा वॉलेट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने प्लान कर रहा हूं और 12 स्लॉट आपके सामने मैंने बताया, हर एक आदमी ले सकता है। लेकिन आप सोचिए, मात्र 500 रुपए लगा के 17 लाख का स्लॉट हो गया, 12वां स्लॉट के बाद 13वां है? नहीं नहीं है। अब देखिए मजा, जितना आदमी 11वां पे पहुंचा है वो 12वां पे पहुंचेगा? यस। कि डाउट है आपको? नो। अरे भाई साहब, जब 1 से 2 पहुंच गया, 2 से 3 पहुंच गया और 9 से 10 पहुंच गया, 10 से 11 पे पहुंच गया, तब 11 से 12 में नहीं पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा ना। और जैसे 12वां में पहुंचेगा, पहला गोला भरेगा, तुरंत 8.5 लाख आया। Yes. आपके पॉकेट में आया, बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? बाहर क्यों नहीं निकलेगा? बाहर का मतलब अगला स्लॉट खरीदने का लफड़ा खत्म है, गंगा नहा चुके हैं आप 12 स्लॉट लेके। 8.5 लाख पहला गोला भरा, नींद आएगी रात को? नहीं आएगी। आएगी आएगी, इसका रीजन मैं बताता हूं क्यों पैसे 8.5 लाख एक झटके में घुसेगा, नींद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 12वां स्लॉट में एक बार में आप 8.5 लाख रुपया कमाए, भैया आप 11वां में तो 4.5 लाख कमाए ना एक बार में। Yes. 4.5 लाख हजम हो गया है, तो 8 लाख हजम नहीं होगा? होगा। तो 8 लाख के पहले 4 लाख हजम किए हैं आप सर, 4 लाख के पहले 2 लाख हजम किए 10वां स्लॉट में, 9वां स्लॉट में 1 लाख हजम किए आप, 8वां में 50,000 भी हजम किए, 7वां में किए है ना, 6ठा में भी किए है ना। शुरुआत कहां से हुआ था हाजमा मजबूत करने का? 5 से। जब 5 से शुरुआत हुआ है, सब डाइजेस्ट हो रहा है, सब बच रहा है, तो भैया 8 लाख 8.5 लाख क्यों नहीं बचेगा? सब बचेगा, क्योंकि लाडो सर है ना, जान रहे, इकट्ठे पैसा नहीं देना है सबको, धीरे धीरे देना है। हाजमा मजबूत होगा तो वोमिटिंग नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठे आ जाता है साला, उल्टी हो जाता है उसको, बर्दाश्त नहीं होता। तो लाडो सर जो है ना बहुत होशियार है, वो धीरे धीरे हाजमा मजबूत करके माल दे रहे हैं। ठीक है, पहले 5 लो 10 लो 20 लो 40 लो ऐसे करते करते आपको मजबूत कर रहे हैं। और इस सिस्टम के अंदर अभी सिर्फ आपका एक प्लान स्टार्ट हुआ है, एक प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। कौन सा प्रोजेक्ट? क्लासिक, मेटाफोर्स का क्लासिक। भैया क्लासिक प्लान ने दुनिया हिला दिया, एक प्रोजेक्ट आया है अभी, दुनिया हिला दिया। मार्केट में बहुत सारे नेटवर्कर जो बोलते थे 3 से 5 साल टिक के रहो, साला सबका टीम खत्म हो गया, सब चले आ रहे हैं, बोलता टिके रहो, कैसे टिकेगा? उसकी हारी हो जाएगी।
अरे जब बेटा पोर्स नहीं था, लाडो सर नहीं थे, तब ये कहावत सुनने में अच्छा लगता था, टिके रहो। जो बड़ा लीडर प्रोडक्ट बेस का बोलता है हम भी टिके हैं तुम भी टिके रहो, जैसे उसके नीचे मेटाफोर्स का प्लान घुसता है वो पूरा टीम खत्म। क्यों? इसीलिए क्योंकि साला वो मोटिवेशन के बल में उसको 2 साल तक टिका के रखा है, और यहां मेटाफोर्स में मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, जुड़ते ही इतना माल बरसने लगता है कि साला अपने मोटिवेट हो जाता है। क्योंकि मेरा मानना है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया माल है तो मोटिवेशन है, माल नहीं है तो ठंडा में भी साला गर्मी का एहसास होता है, है? इसलिए पैसा बहुत मायने रखता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप लोग तो पैसा 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 करते हैं, क्या दुनिया में सब कुछ पैसा ही है? मैं बोलता हूं बाबू ऐसा बात नहीं है, जब तक तेरे पास पैसा नहीं है तब तक मेरा मानना है साला भगवान पैसा ही है, सब कुछ पैसा है। अगर पैसा तेरे पास है तो पैसे की अहमियत नहीं है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो सब कुछ पैसा है, भगवान भी खुश। आज नहीं होता बिना पैसे का, नहीं होता। आप किसी मंदिर मस्जिद कहीं भी जाइए, अगरबत्ती खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, मिठाई खरीदने के लिए लड्डू खरीदने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। आज भगवान भी बिना पैसे का खुश नहीं हो रहे, और आपको शायद पता है कि नहीं है, इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे अमीर भगवान, भगवानों में भी क्रेडिट कैटेगरी है मालूम है, सबसे अमीर भगवान मालूम है कौन है हिंदुस्तान में? तिरुपति बालाजी, है ना। मैं गया था वहां, मैं गया हूं हैदराबाद गया था, वहां गया हूं तिरुपति बालाजी, मालूम है 4 से 5 मिनट में इतना बड़ा ड्रम है, ऊपर से लोग डालते हैं कपड़ा लपेटा हुआ रहता है, 4 से 5 मिनट में साला ड्रम भर जाता है, कोई लिखा पड़ी नहीं, मजदूर है इतना मजदूर है, ट्रॉली पे पैसा लेके जाता है अंदर, एक ट्रॉली भरता है निकालता है दूसरा टांग के पहले तब जाता है, और अंदर में चलनी लगा हुआ मशीन, जितने खुदरा है ना डाल देता है, और चलनी से अपने आप 5 रुपए का सिक्का अलग, 10 का अलग, 2 का अलग, 1 का अलग, सब अलग अलग जाता है। कितने लोग पैसा गिनने में है खाली, और जिस दिन पैसा मंदिर से बैंक जाता है जिस गाड़ी पे लोड होता है उस गाड़ी का पत्ती जो ऐसा होता है ना, ऐसा पत्ती, पत्ती समझ रहे ना, गाड़ी में पत्ती होता है ट्रक के ऊपर पत्ती, हाँ साला वो पहले गाड़ी जो है ना सीधा रहता है ऐसा, जैसा ऐसा बोरा लोड होता है पूरा पत्ती जो है ना ऐसे था ऐसे हो जाता है, इतना पैसा आता है। भैया भगवान भी समझिए, आज कैटेगरी वाइज हो गए पैसे में सबसे अमीर भगवान, ठीक है भैया। आपको क्या लगता है आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके लाइफ का सबसे मेन फोकस पैसा है कि नहीं है? यस। पैसा नहीं है तो सबसे मेन आपके लिए पैसा है, और अगर पैसा है तो उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है तो सबसे ज्यादा अहमियत पैसे का ही होगा। आप अगर पैसे वाले हैं तो आपको इज्जत प्रतिष्ठा भी मिलेगी बहुत ज्यादा, आपके गांव समाज में भी, क्या सही है कि नहीं? आपके गांव समाज में अगर कोई यज्ञ हो रहा है, या जितने भी हिंदू भाई बैठे हुए अगर कोई यज्ञ हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है, काली पूजा हो रहा है, किसी भी तरीके का ओकेजन हो रहा है, और आप अगर वहां पे सबसे ज्यादा चंदा देते तो मेला का उद्घाटन आप ही से करवाएगा। जब भी मेला में घूमने जाएंगे ऐसे लुंगी पहन के भी कुर्सी देगा आपको, आया ना? Yes. आप बोलिए कि चलो जितना खर्चा होगा इस पूजा में सारा खर्चा अकेले हम देंगे, देखिए क्या होता है, क्या होता है, चीफ गेस्ट हो जाएंगे, माथे पे टांग रखेगा आपको, और पैसा नहीं है पहचाने का भी नहीं आपको, ठीक है। अगर आपके एरिया में मान लीजिए मस्जिद बन रही है, जितने भी मुसलमान भाई है, अगर मस्जिद बन रही है और आपने बोला कि नीचे जमीन में जितना टाइल्स लगेगा सबका पैसा हम अकेले देंगे, क्या होगा? बहुत सम्मान मिलेगा। आपके पूरे खानदान में जितना मेंबर है ना, सारे मेंबर को स्पेशल रिक्वेस्ट मिलेगा, स्पेशल, आया ना,
सम्मान कैसे बढ़ा? क्या पैसा जरूरी था या नहीं था? जरूरी है पैसा, इसलिए इस प्लान के अंदर लाडो साहब ने भर भर के पैसा दिया है। ये पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ये हाल है। इसके बाद NFT रॉयल्टी जो लॉन्च होने वाला है, आप लोग दिल थाम के बैठिए। जितने भी लोगों के पास SFC आज जमा हो रहा है, अगर नहीं है तो अभी से आप सभी लोग क्या करिए, अपने स्लॉट बढ़ाइए और जितने स्लॉट आपके हैं रिसाइकल करना चालू कर दीजिए, क्योंकि SFCR की भी जरूरत पड़ेगी और SFC की जरूरत पड़ेगी। और SFC आपको कम मिल रहा है? स्लॉट परचेज करने पे SFC मिल रहा है, और SFCR कब मिल रहा है? रिसाइकल होने पे। जितने बार आप उसको रिसाइकल करेंगे उतने बार आपको SFCR मिलेगा। इसलिए अपने वॉलेट में SFC और SFCR कलेक्ट करना चालू कर दीजिए, NFT रॉयल्टी का मजा अगर लेना है तो। इसके बाद जो रोड मैप में प्लान आने वाला है, मैं आपको बता दूं, बूस्टर प्लान भी आपके बीच आने वाला है 2-3 महीने के बाद। बूस्टर प्लान जब आएगा तहलका मचा देगा मार्केट के अंदर, क्योंकि बूस्टर प्लान में 10 स्लॉट होगा और पहला स्लॉट $10 का होगा तो दूसरा स्लॉट $80 का होगा, 8 गुना, यहां 2 गुना है, तब तक त्राही माम हो गया है। यहां 2 गुना स्लॉट का कीमत है तो पैसे का लाइन लग गया, अंबार लग गया।